इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज आयोजित हुए छात्रावास भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये पेपर आपके CBT बेस पर था, यानी कि इसमें क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर में देखने को मिले थे और आंसर यानी कि आपको गोले हैं वो OMR शीट में भरने थे। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक जो हमें मिले हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हमें कंप्लीट पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर चाहे वो आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो या फाइनल रिजल्ट को लेकर हो। और इसके अलावा इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके आज के पेपर में 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके एनालिसिस के आधार पर कल आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमें अभी तक क्वेश्चन मिले हैं वे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कंप्लीट पेपर मिलते ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन अगर अभी तक ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। एक क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था कि PM उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2016 में। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? मई 2016 में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आज के CBT पेपर में आपसे पूछा गया था। CBT पेपर में क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पे देखने को मिले थे और आंसर आपको OMR शीट में भरने थे। इसमें भी वही नियम लागू था 10% वाला, कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आज के पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना था। पेपर में वैसे भी आपके नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नवंबर 2010 में कालबेलिया को विश्व विरासत घोषित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने नवंबर 2010 में अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का श्रेय गुलाबो सपेरा जैसी सुप्रसिद्ध नर्तकियों को जाता है। कालबेलिया नृत्य और गीत राजस्थान से जुड़े हैं। इन गीतों को पौराणिक कथाओं से लिया गया है। कालबेलिया नृत्य में पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं और वेशभूषा के तौर पर लहंगा, ओढ़नी या अंगरखा पहना जाता है। तो आगामी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको पता होना चाहिए कालबेलिया नृत्य का से इनका संबंध है। और यूनेस्को ने इसे 2010 नवंबर 2010 में अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। किसे? कालबेलिया नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? तो किराड़ू मंदिर आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में। तो ये क्वेश्चन आज के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको किराड़ू मंदिर के बारे में भी बता देता हूँ कि किराड़ू मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और 5 मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे उल्लेखनीय है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाड़मेर में स्थित किराड़ू मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों में प्रभावशाली मूर्तिकला और वास्तुकला की सोलंकी शैली है। यह मंदिर राजस्थान के खजुराहो के रूप में भी प्रसिद्ध है। अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है भगवान शिव को समर्पित है। आगे लिखा है, यह मंदिर खंडहर है और भगवान और देवी की छवियों की कमी है। किराड़ू पहले बाड़मेर का मुख्यालय था। इस पर 1140 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, जिसने मंदिर की संरचना और उसकी छवियों को नष्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कंप्लीट 100 क्वेश्चन जैसे ही हमें पेपर मिलेगा सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट 100 क्वेश्चन की चर्चा भी की जाएगी सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के पहले भारतीय गवर्नर है वो भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर
सर चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीडी देशमुख, उन्हें अंग्रेजों ने साल 1943 में नियुक्त किया था। सीडी देशमुख एक भारतीय सिविल सेवक थे, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और प्रशासक। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक स्थिरता का बढ़ावा देने, बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया था। ये क्वेश्चन आज के सीबीटी पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता से पूछा गया था कि ये सभ्यता कौन से जिले में, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता, जहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ की सभ्यता की प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा सभ्यता। ये घग्गर नदी के किनारे तहसील पीलीबंगा में है, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में है, बीकानेर से इसकी दूरी 205 किलोमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, या फिर क्वेश्चन बन जाए घग्गर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, और पेपर में ये पूछा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। कमेंट बॉक्स में हमें कैटेगरी के साथ जरूर लिखें कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे कि कल हम आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने की? धर्म सभा की स्थापना किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो धर्म सभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, धर्म सभा की स्थापना साल 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने की थी। राधाकांत देव 19वीं सदी के शुरुआत में एक प्रमुख बंगाली अभिजात और बुद्धिजीवी थे। धर्म सभा की स्थापना के पीछे की वजह ये थी कि राजा राममोहन राय और हेनरी डेरोजियो जैसे नेताओं के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुकाबला करना, यानी कि इस धर्म सभा की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इसका यही था कि राजा राममोहन राय और हेनरी डेरोजियो जैसे नेताओं के नेतृत्व में जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उनका मुकाबला करना। ब्रिटिश सरकार के सती प्रथा पर प्रतिबंध के जवाब में संगठन का गठन किया गया था। धर्म सभा ने प्रतिबंध का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन था। धर्म सभा ने विधवा पुनर्विवाह के वैधीकरण जैसे अन्य सामाजिक सुधारों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला मालूम चला है, और शहरी लिंगानुपात कितना था जनगणना के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आप आज के पेपर में देखने को मिला था। इसके अलावा नई एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, करंट अफेयर भी देखने को मिली थी, 2023 की करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिला था जिसमें पूछा गया था परमवीर चक्र, चार ऑप्शन दे रखा था, निम्नलिखित में से परमवीर चक्र किसने जीता था, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला था, और सरदार सरोवर धाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। जहाँ तक अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिले थे वो मैंने आपको बताए हैं, और जैसे ही हमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उसकी आंसर की बताई जाएगी पेपर के साथ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और आप हमें जरूर बताएं 100 में से आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, कैटेगरी भी साथ लिखे, जिससे कि कल हम आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।